नाजरीन, आपका AF न्यूज उर्दू में खैर मकदम है। आज की खबरें, मिस्टर के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर तेलंगाना व सदर TRS पार्टी ने साबिक रुकन असेंबली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर को सदर TRS पार्टी जिले संगारेड्डी नामजद किया। चिंता प्रभाकर ने अपने सियासी करियर का आगाज तेलुगु देशम पार्टी से किया और इन्होंने काउंसलर और चेयरमैन बल्दिया सदासीपेट की हैसियत से खदमात अंजाम दी। 2009 असेंबली इंतखाबात में इन्होंने हल्के असेंबली संगारेड्डी से बहैसियत तेलुगु देशम पार्टी उम्मीदवार मुकाबला किया और इन्हें 6772 वोटों से शिकस्त हुई। इसके फौरी बाद इन्होंने TRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली और 2014 असेंबली इंतखाबात में हल्के संगारेड्डी से TRS की जानिब से मुकाबला किया और 29522 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई। ताहम 2018 इंतखाबात में इन्हें 2599 वोटों से नाकामी हुई। CM KCR ने इन्हें जिले संगारेड्डी के सदर की अहम जिम्मेदारी सौंपते हुए पार्टी में चिंता प्रभाकर की अहमियत और मकाम को वाज़ह कर दिया। चिंता प्रभाकर का शुमार वजीर फाइनेंस टी हरीश राव के करीबी और बेएतमाद रफ़का में होता है। चिंता प्रभाकर ने इन्हें सदर जिले संगारेड्डी TRS नामजद करने पर CM KCR से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि जिस एतमाद के साथ इन्हें नामजद किया गया है वो इस पर खरा उतरेंगे। पार्टी को तंजीमी तौर पर मजीद मजबूत व मुस्तहकम करने और आइंदा इंतखाबात में तमाम नशिस्तों पर कामयाबी के लिए पार्टी के तमाम कायदीन व कारकुनान को साथ लेकर सही करना इनकी अव्वलीन तरजीह होगी। इन्होंने TRS वर्किंग प्रेसिडेंट व वजीर बल्दी नज्म व नस्क KTR और वजीर फाइनेंस टी हरीश राव से भी इजहार तशक्कुर किया।